بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام حضرات درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى इब्राहिम إبراهيم إنك حميد मजीद मेरे वाजिबातराम वज़ साम कराम अल्लाह के रब रब्बुल रब्ज़त के करम के साथ फ़जल के साथ एहसान के साथ आज हमारे मदरसे को फिर ये एज़ाज़ हासिल हुआ है कि अल्लाह रब्बुल रबत के मुक़दस कलाम पाक के दो बच्चे और हाफिज़ कुरान बन गए हैं अल्लाह रब्बुल रबत इन बच्चों को और इन बच्चों के वालदेन को इस कुरान पाक की बरकत से इस दुनिया के अंदर भी कामयाब फरमाए और आखरत में भी कामयाब फरमाए कुरान पा एक अजीम दौलत है और कुरान पाक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रश्दो हिदायत का ज़रिया बनाया है क़ुर पाक के साथ जो जो भी जुड़ेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको भी इस एजाज़ से नवाजेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शान वाले हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब भी शान वाली है और जो इस किताब के साथ नस्बत लगाएगा अल्लाह उसको भी शान वाला बना देगा अल्लाह अल्लाह रब्ज़त वाले हैं अल्लाह रबत की किताब कुरान पाक भीत वाली है जो इस किताब के साथ नस्बत को जोड़ेगा अल्लाह रब्ल दुनिया और आखरत की तमाम उसको भी अता फरमाएगा अल्लाह रब्ल खुद करम वाले हैं रहम वाले हैं शफकत वाले हैं अल्लाह रब्ल के कुरान के अंदर भी ये सारी सिफात मौजूद हैं अब जो कुरान पाक के साथ अपनी नस्बत को जोड़ेगा अपनी औलाद की नस्बत को जोड़ेगा अल्लाह इज़्ज़त इस इंसान के ऊपर भी करम फरमाएगा रहम फरमाएगा शफकत फरमाएगा क्यों क्योंकि इसने उस कुरान पाक को लिया है जिसके अंदर ये सारी सिफात हैं तो क़ुरान पाक के अंदर, अंदर अपने आप को लगाना कुरान पाक के अंदर अपनी औलाद को लगाना कुरान पाक के अंदर अपनी ज़िंदगी को सर्फ़ करना किसी न किसी तरीके से किसी शोबे के अंदर कुरान की खिदमत करना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद को अपने साथ लेना है क़ुर पाक सरासर हिदायत है जिसने कुरान पाक को सुना उस अमल किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी ज़िंदगी के नक्शे को बदल दिया है अजीब व गरीब का ये कलाम है ऐसा कलाम ऐसा कलाम जिसने इंसानियत की जिंदगियों को भी बदला और इंसान के अलावा जिन्नात की जिंदगियों को भी बदला ऐसा अजीब व गरीब कलाम है क़ुरान पाक के अंदर इसका मफहम आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु के सब्तदाई दौर में और आपसे पहले ये जिन्नात जो दुनिया में फिरते थे ये जिन्नात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आसमान की तरफ़ ऊपर जाते थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आसमानों के साथ अपने कान को लगाते और वहाँ पे अल्लाह इज़्ज़त जो फरिश्तों को अहकाम दे रहे होते उनको सुन लेते थे उस सुनने के बाद आसमान से ज़मीन तक आते आते उसमें सौ झूठ मिला के नजूमी और कहनों के कानों में कुछ बातें कह देते ये नजूमी नहीं बैठे तो सड़कों के ऊपर उस ज़माने में कहन होते थे जो मुस्तबिल की खबरें बताते थे वो आके इनको बताते थे कि अल्लाह ने ऊपर ये मामला कहा है अब एक सच होता निन्यावे झूठ मिला कि उसको उन बातों को फैलाया जाता अब जब कोई उस काहिन के पास जाता नज़ूमी के पास जाता वो कहता ऐसा ऐसा मामला आगे होगा तो उसमें से कुछ झूठ और कुछ सच साबित हो जाता तो ये मामला जिन्नात का शैयातीन का चलता था शैतान और ये शरीर जिन ऊपर जा के आसमानों में कान लगा के अल्लाह की खबरें आके ज़मीन में फैला दिया करते थे एक मरतबा उनकी तो आदत बन चुकी थी एक मरतबा ये जिन्नात की जमात ये शैतान की जमात जब ऊपर पहुंची इन्होंने जैसे कान लगाने की कोशिश की ऊपर से व समाई व तारिक अल्लाह रबुल्जत ने शोला मारा उनको लगा नीचे है अब जो चढ़ता शोला आता और आग उनको जलाने लग जाती तो इनका ऊपर जाना अल्लाह रब्बुल रबुल्जत ने बंद फरमा दिया अब ये ऊपर नहीं जा सकते इनको ये अब नहीं हो सकता कि अल्लाह की बात को सुने अब क्या हुआ पूरी दुनिया के जिन्नात में खलबली मच गई यह क्या हो गया है कि आज के बाद हमें आसमानों पर नहीं जाना दिया जाएगा क्या मसला है तो उन जिन्नात के सरबरा ने कहा, लगता ऐसा है दुनिया में कोई अजीब और गरीब कोई वाक्य पेश आया है तुम ऐसे करो पूरी दुनिया का चक्कर लगाओ देखो कि ऐसा कौन सा मामला है कि जिसकी वजह से अब हम आसमानों पर नहीं जा सकते दुनिया में सारी जिन्नात की जमातें फैल गई एक जमात फैलती 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 एक जगह से गुजरी सुबह का वक्त है तलुए फजर यानी फजर की नमाज़ों का वक्त है और इस ये गुजरती है ताइफ के करीब नखला के मैदान से ये जमात गुजर रही है जिन्नात की देखा एक कलाम इनके कानों में पड़ा ये उसकी तरह मुतव हुए देखे तो पूरी कैनात के इमामुल इमाम्बिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला वसलम अकेले खड़े होके सुबह की तन में अल्लाह रबुल्ज़त का कलाम नमाज के अंदर पढ़ रहे हैं अल्लाह के प्यारे हबीब का कलाम सुना ये सारे मुतवजे हुए हजूर के उस कलाम को सुना बस ये जन्त समझ गए कि क्यों हमारा ऊपर जाना मना है अब ये अल्लाह के नबी आ ये सारे सुन सुनते हैं अल्लाह रब्लत ने हबीब आल्लाम पर वही भेजी कुलयरुम जिन्नी वन कुर ए मेरे हबीब इन मुशरक़ीन मक्का को बताइए कि मेरे पास तो जिन्नात की एक जमात भी आई थी और वो जिन्नात आपस में कहने लगी अपने कौम कबीलों पर जाके ऐ लोगो अब हमने ऐसा कलाम सुना है इससे पहले ऐसा कलाम जिंदगी में हमने नहीं, नहीं सुना और ये कलाम हमारी जिंदगियों को तब्दील करने वाला है इसने हमने हिदायत पाई है जिन्नात की उस जमात के अंदर ईमान आया और वो ईमान जिन्नात में फैलता चला गया फैलता चला गया तो ये कुरान पाक ऐसी मुबारक किताब है जो इसको दिल की खिड़कियां खोल के सुनता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हिदायत के अलावा नहीं छोड़ते अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मक्का शरीफ के अंदर आप मेहनत फरमाते थे इस्लाम की कुफ़ार ने आपकी तरह तरह से आपको रोकने की कोशिश फरमाई एक बाहर से यमन से एक नौजवान खूबसूरत हसिनो जमील कदोकामत की शख्सियत मक्का में आती है वो एक सरदार हैं बड़ी खूबसूरत शक्ल सूरत है बड़ी वजाहत है और बेहतरीन किस्म के शायर हैं शेर व शारी के शौकीन अरब उनको मानते थे कि इनके और शार, शारी बेहतरीन है सरदार हैं कबीला दोस्त के ये सरदार नाम है तुफ़ैल बिन अमर अदोसी रजी अल्लाह मक्का में आते हैं तजारत की गर्ज से जैसे ये मक्का के अंदर दाखिल हुए अबू जाहल और काफिर इनको मिलते हैं और इनको कहते हैं और तू नौजवान है तू बड़ा बहादुर है तो बड़ा दिलेर है शायर है बेहतरीन आदमी है ध्यान करना हमारे मक्के में एक जादूगर आया हुआ है ध्यान करना हमारे मक्के में एक जादूगर आया हुआ है और जब भी वो बात करता है उसके बाद में बात में ऐसा जादू है कि बाप बेटे से अलग हो जाता है बीवी से उसका शोहर अलग कर देता है और औलादों के दरमियान में तफरीक कर देता है एक दूसरे के दरमियान में फूट डाल देता है उस शख्स से बचिए उन्होंने कहा वो शख्स कौन है उसने कहा उसका नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला यानी मोहम्मद अलैहि वसल्लम की बात कर रहे थे कि इस मोहम्मद की बात नहीं सुननी अगर इसकी बात सुनोगे तो ये तुम्हें कबीले से अलग कर देगा कौम से अलग कर देगा माँ बाप से अलग कर देगा ये जादूगर है इसकी बात के अंदर ऐसा जादू है कि जो तुम्हें अपने से हटा देगा तो वो इतना परेशान हुए इतना डर गए हज़रत तुफ़ैल बिन हमारा दोषी कि उन्होंने कहा अच्छा इसकी बात नहीं सुननी हाँ तो वो डर गए तो उन्होंने उसी वक़्त रुई मंगवाई कपास उस रुई को अपने कानों में डाला और खूब अच्छी तरह आखिरी कोने तक उनको अंदर घुसा दिया कि मेरे कानों के अंदर बिल्कुल आवाज़ ही ना जा सके उस शख़्स की अब ये मक्के का विज़िट कर रहे हैं देख रहे हैं इधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं और कानों के अंदर वो रुई ठोसी हुई है कि कहीं किसी की आवाज़ मेरे तक ना पहुंचे और मैं अपने किसी मामले में ख़राब ना हो जाऊं। ये जा रहे हैं जाते जाते जाते, जाते ये जहां आज तवाफ़ होता है जिसे मताफ़ कहते हैं ये बेतुल्ला के इसी सहन के अंदर देखा कि एक शख्सियत एक नौरानी शख्सियत वह खड़े हुए हैं हाथ बांधे हुए हैं और कला में इलाही शुरू है इन्होंने उस चेहरे को देखा इन चेहरे को देखते इनकी दुनिया बदलना शुरू हो गई ये चेहरे पैगंबर को देख के कहते हैं यार ऐसा हो तो नहीं सकता ये हो तो नहीं सकता कि ये चेहरा मुझे कुछ कर दे यार मैं भी शायर हूँ मैं भी बड़ा समझने वाला हूँ अरबी कलाम पे कुदरत रखता हूँ शायर व शायरी पे मुझे दस्त रस है तो क्यों ना मैं इसकी थोड़ी सी बातें सुन लूँ अल्लाह हिदायत के जरिए बना रहे जिसके लिए इन्होंने कान कान में वो रोई ठोंसी थी उन्हीं की तरह मुतवजे होके कहते हैं यार सुनने में कौन सी बात है सुनूंगा बात अच्छी लगी तो इससे बात कर लूंगा बात अच्छी ना लगी तो आगे चला जाऊंगा इन्होंने जैसे ही वो कान से अपनी रोई निकाली तो सरकार मदीना राहत कल्बो सीना मोहम्मद रसुल्ला की मुबारक आवाज कुरान पाक इसके कान में गूंजी कुरान की आवाज़ गूंजने की देर थी कानों में आने की देर थी कि तुफ़ैल दोषी जो दूर से देख रहे थे आगे बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे यहाँ तक कि हजूर ने सलाम फेरा यह हजूर की खिदमत में बैठ के कहते हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हाथ बढ़ाइए तुफ़ैल आप पे ऊपर इस्लाम ले आना चाहता मुझे इस्लाम में दाखिल फरमाइए क़ुरान सुनने के बाद रहा नहीं गया ये वो लोग हैं कुरान दिल से सुना जाए कुरान दिल से सुना जाए ये हो ही नहीं सकता कि इंसान पे असर ना हो ये हो भी नहीं सकता मेरे अजीज साथियों कुरान से निसबत जोड़िए आज हम क्यों इतना जिल्लत की ज़िंदगी में जा रहे हैं क्यों मुसलमान पस्ती में जा, जा रहे हैं क्यों मुसलमान मुसलमान होने के बावजूद दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रहा है हमारी नस्बत जो कुरान के साथ जुड़ी हुई थी हमारी असलाफ की नस्बत जो कुरान के साथ जुड़ी हुई थी आज हम उससे पीछे हटे हैं आज हम मूवीज़ के दिल हैं ड्रामों के दिल हैं तीन घंटे का एपिसोड देख लेंगे तीन घंटे की फिल्म देख लेंगे मुझे मैंने जब ये यूट्यूब चैनल बनाया तो मुझे अपने ही करीबी साथी कहने लगे कि मुफ्ती साहब बड़ी बड़ी वीडियो ना डाला करें दस बारह मिनट की आप वीडियो डालते हैं तो लोग नहीं देखते लोग नहीं देखते जिन लोगों का कह रहे थे वो अर्थ गुल का तीन घंटे के एपिसोड देखते हैं जिन लोगों का कहते हैं कि ये नहीं देखते वो टिक टाक के ऊपर सारा दिन गुजार देते हैं वो उल्टी सीधी कहावतें सुन लेते हैं वो उल्टी सीधी महफिलें देख लेते हैं वो तीन घंटे की डांस देख लेते हैं वो चार घंटे की किसी उल्टी महफिल को देख लेते हैं वो किसी आलिम की वो किसी कुरान की वो किसी दीनदार की दस मिनट की वीडियो देखने को बर्दाश्त नहीं करते ये क्या है कुरान से दूर ही है ना कुरान से दूरी ना होती आज भी आप देख लें जो सोशल मीडिया को रोजाना के अतबार से देखते हैं आप उनको देखें वो वीडियोस पे वीडियोस देख रहे हैं जैसे कोई डांस की वीडियो आएगी उसको रोक के मिनट देख देखेंगे जो कोई ड्रामे की कोई क्लिप आएगी उसको दस मिनट देखेंगे जैसे वो करते करते नीचे कोई दीन की वीडियो आ गई आलिम की वीडियो आ गई मसले की वीडियो आ गई कोई कुरान की तिलावत की वीडियो आ गई फौरन स्किप करेंगे ऊपर की तरफ चले जाएंगे आधा मिनट उसको देखना बर्दाश्त नहीं करते वजह क्या है दिल की खिड़कियों के अंदर से कुरान गुजरा नहीं है अगर ये गुजरता तो फिर अमल होता फिर ये गुजरता इसका चेहरा बताता कि इसको कितना नूर मिला है आइए आज से पीछे आप चलिए पीछे चलिए एक बुजुर्ग गुजरे हैं बुजुर्ग का नाम है हजरत बिशर हाफ़ी रहमत लाई तिशर हाफ़ी एक बुजुर्ग हैं शराब का कारखाना है शराब का कारखाना है बहुत से कारखाने बनाए हुए जहाँ शराब बनती है लोगों में भी सप्लाई करते थे खुद पीते थे और इतना पीते थे इतना पीते थे कि हर वक्त नशे में धुत रहते थे एक मरतबा इसी नशे में धुत की हालत में और इस मदहोशी की हालत में जा रहे हैं जाते जाते एक कूड़ा को देखा जहां हम गंद डालते हैं ना जिसे हम अपनी सराकी जबान में रूढ़ी कहते हैं इस कूड़ा किरकेट के करीब से गुजरे तो उसी मदहोशी के आलम में उसी नशे की हालत में एक कागज पे नजर पड़ी थोड़ा सा झुके उस कागज को उठाया उठा के देखा तो उसके ऊपर लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहीम उस कागज पे क्या लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहीम उसको देखा आंखों से आंसू जारी हो गया और दिल में कहने लगे अः अल्लाह जरूर मैं बदबख्तू जरूर मैं बहुत गिरा हुआ हूं लेकिन अल्लाह तेरा अजीम नाम इधर पड़ा है अल्लाह तेरे जैसे अजीम रब का नाम इस रूढ़ी में पड़ा हुआ है बर्दाश्त नहीं हुआ उसको उसी वक्त साफ किया और उसको अपनी पगड़ी से साफ करने के बाद आगे गए पैसे निकाले खुशबू खरीदी उस कागज़ को बिस्मिल्लाह के ऊपर खुशबू लगाई और खुशबू लगाने के बाद उस टुकड़ा जो ज़मीन में पड़ा था उसको अपने पगड़ी के अंदर रख दिया कि नीचे ना पड़ा रहे चलते चलाते इसी मदहोशी के आलम में जा रहे हैं और अपने मकाम पर पहुंचे रात का वक़्त है उस जमाने के अल्लाह वाले नेक वली के ख़्वाब में अल्लाह के पाक पे मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुशतबा सल्लल्लाहु ने अलैहि वसल्लम ख्वाब में आते हैं और उसको कहते हैं ए अल्लाह के वली जा मेरे दोस्त को और अल्लाह के दोस्त बिशर हाफी को मोहम्मद का सलाम कह दे मोहम्मद का सलाम कह दे ये सुबह होते ही वहाँ पे पहुँचे वहाँ पे पहुँचते हैं अब रास्ते में ये वली जा रहा है और दिल में सोचता है यार वो तो शराबी है वो तो कबाबी है वो तो ऐसा है वो तो ऐसा है क्योंकि उसी मोहल्ले के रहने वाले थे अब दिल में ये सोच भी रहे हैं और हजूर के फरमान को पहुंचाने के लिए जा भी रहे हैं दरवाज़ा खटखटाया तो बिशर हाफ़ी की एक कनीज़ निकली एक नौकरानी निकली जी फरमाया बिशर हाफ़ी को बुलाओ मैंने उसे पैगाम देना है फरमाया वो तो नशे की हालत में रात को शराब ज़्यादा पी है अभी तक सोया हुआ है उसको होश नहीं है इसने फिर कहा फिर कहा उसने कहा जाओ ना उसने कहा तुम उसे कहो कि तुम्हें रसोल्लाह का पैगाम देने आया है ये औरत आगे जाती है मुदहोशी के आलम में उसको कहती है बिशोर एक बंदा कहता है तुझे रसूलुल्लाह की कोई पैगाम पहुंचाना है हजूर का नाम सुनते ही नशा छट गया और फ़ौरन उठे दरवाज़े पे पहुंचे क्या बात है फरमाया रात को रसूलुल्लाह की जिदारत हुई फरमाया जाओ बिशरे हाफ़ी को कहो अल्लाह और उसके रसूल तुम्हें सलाम कह रहे हैं मैं वो सलाम पहुंचाने आया फौरन कांप उठे फरमाया क्यों फरमाया कि ये तो मुझे मालूम नहीं है लेकिन तेरे लिए सलाम है फौरन तोबा की फौरन तोबा की तोबा करने के बाद नहाए धोए अल्लाह के सामने रोए रात को सोते हैं रसूल पाक अलैहिस्सलाम की ज्यादा नसीब हो जाती है अल्लाह के प्यारे हबीब आल से तो आते हैं और कहते हैं आ बिशर क्या हाल है फरमाया अल्लाह कहाँ मेरी मेरी ज़ात कहाँ आपकी अजीम ज़ात आप मुझे मिलने के लिए आए हैं फरमाया हाँ बिशर हाफ़ी अल्लाह रबुल्ज़त ने मुझे फरमाया कि ए पाक पैगम्बर बिशर हाफ़ी के ख़्वाब में जाइए और उसे ये बिशारत दीजिए कि तू ने मेरे नाम को तूने मेरे नाम को बिस्मिल्ला को तूने यहाँ यहां जमीन से उठा कर तूने अपनी पगड़ी तक बुलंद किया है अल्लाह कहते हैं मैं तुझसे वादा करता हूं ए बिशर फिर मैं तेरे नाम को जमीन से आसमानों तक बुलंद कर दूंगा और आज देखो इस वाक्यों को कम से कम तेरह सौ साल गुजर चुके हैं तेरह सौ साल के बाद आपको आज सैबान गार्डन में यह मैं वाक्य सुना रहा हूँ ये बिशर हाफी की बुलंदी नहीं है तो क्या है? तो मुझे आप बताएं जो बिस्मिल्लाह के जो सिर्फ बिस्मिल्लाह का अदब करेगा पूरा कुरान नहीं सिर्फ बिस्मिल्लाह के अदब करने से अल्लाह उसको ये इनायत दे रहे हैं तो जो पूरे कुरान का अदब करेगा अल्लाह उसको क्या देगा जो पूरे कुरान को सीने में उठाएगा अल्लाह उसको क्या देगा जो अपने बिस्तर अपने कंधे पे रख के तबलीग की नीयत से दर दर पे जाएगा और उस बिस, बिस्मिल्लाह और कुरान की आवाज़ को एक एक दर पे पहुंचाएगा आप मुझे बताएं उसका क्या दर्जा होगा तो इसलिए मेरे अजीज़ साथियों कुरान को सीने से लगाएं कुरान पाक को अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाएं फुज़ैल बिन आयाज रहमतुल्लाह ताब बड़े मुहदे हैं बहुत बड़ी शख्सियत हैं बहुत बड़े आलिम दीन और सूफी गुजरे हैं फजैल बिन आयाज डाकू थे डाकू रास्तों पे खड़े हो के डा डालते थे आने जाने वाले गुजरने वालों को पकड़ के उनका माल छीन के और ख़ुद रवाना हो जाते थे यहाँ तक के बगदाद से और आगे पीछे से अगर कोई काफिला गुज़रता तो वो कहते जल्दी जल्दी चलो रात ना हो जाए कहीं फ़जैल आके हमें लूट ना ले इतने बड़े डाकू थे अपने ज़माने के एक लड़की से इश्क हो गया एक लड़की से मोहब्बत हो गई तो उस मोहब्बत की वजह से ऐसे अंधे हुए कि रात के एक दो बजे उस लड़की के घर के अंदर दीवार को फलांग के उसको मिलने के लिए गए जैसे ही वहाँ पे अंदर दाखिल हुए वो लड़की अल्लाह का कलाम पढ़ रही है और कलाम के अंदर क्या पढ़ रही है कि क्या अभी तक वो ज़माना नहीं आया कि अल्लाह के खौफ की वजह से और अल्लाह के ज़िक्र की वजह से लोग अल्लाह से डरना शुरू हो जाए ये कुरान की आयत पड़ी फजैल जो डाकू था उसके कान में भी आई आधा आयत आई उसी वक़्त खड़ गए फरमाया हाँ हाँ वो ज़माना आ गया है कि मैं अल्लाह से डर गया हूँ फौरन वापस आते हैं मस्जिद में तोबा करते हैं इल्म दीन के लिए ज़िंदगी वक्फ की, की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस जमाने में सबसे बड़े आलम दीन उनको बनाया मेरे अजीज़ साथियों कुरान को एक मरतबा दिल की खिड़की खोल के तो सुने आज हमारा आलम देखें अभी त्रावियाँ आने वाली है ना अभी आएँगी ना कुछ महीना दो के बाद तो हमें पिछले साल की बात है हम एक दोस्त कहने लगा इन्हीं मोहल्लों का कहते हैं मैंने कहा कहते हैं मुफ्ती साहब है, कौन त्रावियाँ पढ़ाएगा मस्जिद में मैंने कहा यार इसको कहूँगा या इसको कहूँगा इन दो तीन में से एक बंदा कहते उस्ताद साहब ऐसा बंदा हो जो वन टू तो फाइव की तरह तेज जाए जब ये इज्जत हो कुरान की इन मैंने कहा ना ये दो तीन शगिरदे किसी को कह दूंगा तो कहते हैं बस इन तीन में से जो सबसे ज़्यादा मोटरवे पे पर तेज़ गाड़ी भगा सकता है उसको आगे कीजिए अब मुझे बताएं जब कुरान ही ऐसा सुनना हो आप मुझे बताएं दिल की खिड़की कैसे खुलेगी इसलिए मेरे अजीज़ साथियों कुरान से मोहब्बत करें कुरान से मोहब्बत करें खुदा की कसम कुरान से मोहब्बत करें आज हमारे घरों से मेरे वालिद मोहतरम हमें फरमाते हैं कि जब आपके दादा को हम देखते थे चिट्टे अनपढ़ थे बिल्कुल चिट्टे अनपढ़ थे दुनिया के अले बेने जानते थे लेकिन उस जमाने में हमारे महलों का हर बुजुर्ग हर औरत हर मर्द सुबह की नमाज़ के बाद आके पहले कुरान खोलते थे कुरान पाक के दो चार सफ़े पढ़ते थे फिर अपने काम में लगते थे ये आप पूछ लें अपने बुजुर्गों से पहले ज़माने में हर बंदा आके कुरान की तिलावत घर में करता था आज जितने आप बैठे हैं मैं बैठा हूँ जितने और बैठे हैं जितने मोहल्ले वाले बैठे हैं मुझसे कुरान पर हाथ रखवा दें आप आज अट्ठानवे फ़ीसद घर के अंदर साल भर क़ुरान नहीं खोला जाता साल भर कुरान नहीं खोला जाता कुरान पढ़ा हुआ है ज़िंदगी में कुरान को खोल के नहीं देखा ये कुरान किया है मैंने उस दिन क्लिप बनाया आपके पास शायद पहुंच चुका होगा आज हमने बतौर बरकत दुल्हन जा रही है उसके सर के ऊपर कुरान पकड़ा हुआ है और बड़े फख्र महसूस करते हैं दोल्हन के सर पे भाई ने माँ ने बहन ने किसी ने कुरान पकड़ा हुआ है कुरान जा रहा है नीचे साय के नीचे दुल्हन जा रही है बड़े फख्र कर रहे हैं कि हमारी बेटी कुरान के साय में जा रही है मिट्टी जा रही है ये कुरान का साय इसको कहते हैं कुरान के सय का मतलब है ज़िंदगी बदले कुरान के सय का मतलब है हमारे अखलाक बदले कुरान के सय का मतलब है हमारे मामलत बदले ये है असल इसलिए मेरे अजीज़ साथियों अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएँ अल्लाह ने इन लोगों का दर्जा बहुत बड़ा रखा है खुश नसीब हैं वो वालदेन जिनको क्यामत में जहां का आलम होगा एक रिवायत में हैं है है के के नंगे होंगे, होंगे। बीबी आयशा ने कहा सारे जो नंगे होंगे एक दूसरे को देख के शर्म नहीं आएगी औरतें भी नंगे मर्द भी नंगे क्यामत के मैदान में सारे नंगे कपड़े नहीं होंगे अल्लाह परमाया हर किसी को अपनी ऐसी पढ़ी होगी ऐसी पढ़ी होगी ऐसी पढ़ी होगी इतनी शदीद अपनी पढ़ी होगी कि मेरा क्या बनेगा मेरा क्या बनेगा पसीने बहते 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 उस पसीने में ये अपनी गर्दन तक डूब जाएंगे लोग अपनी उंगलियों को हैरत में पकड़ेंगे अपने हाथ तक खा हा जाएंगे इतना इनको अपनी पड़ी होगी इस वक्त में जब हर दुनिया की नफसा नफसी में हर किसी को अपनी पड़ी होगी अल्लाह इस नफसा नफसी में फरमाएंगे साबिर शाह को बुलाया जाए तलहा साहब को बुलाया जाए क्यों भाई इसलिए कि इनके बच्चों ने दुनिया में कुरान को हिफज़ किया है इनको कहा जाएगा इनको ताज पहनाओ इनको कपड़े पहनाओ पूरी के ना देखेगा क्यों फरमाया अल्लाह ने इनके बच्चों को हिफ़ की दौलत नसीब फरमाई है ये हिफ़ की बरक़त से उस वक़्त इस अजाब से भी बच जाएंगे तो मेरे अजीज़ साथियों आज डॉक्टर बनाते हैं इंजीनियर बनाते हैं सब कुछ बनाओ हम आपके साथ हैं हम इस फेवर में हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने इंजीनियर बने हम फेवर में हैं लेकिन हमारा बच्चा अच्छा इंसान भी तो बने ना हमारा बच्चा हाफिज कुरान बन के डॉक्टर बन जाए तो मौत तो नहीं आ जाएगी ना हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस वक्त जो है मौजूदा हाफिज कुरान भी हैं पाकिस्तान के बड़े अहदे पे भी हैं कोई मना तो नहीं किया कुरान ने कि तुम बड़े अहदे पे ना पढ़ ना जाओ इसलिए कुरान का हाफिज भी बनाओ आलम भी बनाओ मुफ्ती भी बनाओ और फिर उसके साथ साथ दुनिया का बेहतरीन अहदा भी उसको अल्लाह नसीब कर दे अब देखा जाएगा दुनिया कैसे तरक्की करती है कि नहीं कर, करती इसलिए मेरे अजीज़ साथियोंबारकबाद के मुस्तक हैं जो लोग जिन्होंने अपने सीने में कुरने पा को महफूज किया और इनके वालदान जिन्होंने इस काम के लिए इनको जो है फारे किया अब आप देखें ये जो सर्दी गुजरी अभी दस पंद्रह दिन पहले कितनी शदीद सर्दी थी लोग अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते थे अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते थे इतनी शदीद सर्दी और इस शदीद सर्दी में ये बच्चा बैठे आमा नासिर ये निज़ाम पाम को चार पाँच किलोमीटर वहां से मोटरसाइकिल साइकिल पे सफर करके रोजाना यहाँ आता है और रोज़ाना वापस जाता है मुझे बताओ अल्लाह को तर्स नहीं आएगा अल्लाह नहीं देख रहा कि हर किसी ने स्कूल का बस्ता उठाया हुआ है दुनिया के लिए जा रहे हैं और एक बच्चा उसी सड़क पर जाके रब के कलाम के लिए जा रहा है अल्लाह को तर्स नहीं आएगा अल्लाह को इसके वालदेन पर तर्स नहीं आएगा इस सर्दी में इस सर्दी में ये जा रहा है मेरे अजीज साथियों मुझे एक बंदा कहने लगा मुफ्ती साहब ये बताएं दुनियावी तलीम और दीनी तलीम में क्या फ़र्क है मैंने कहा इसका निज़ाम देखना हो आप अपने घर के बैर ठहर जाए कहते हमने आपसे सवाल पूछे कि दीनी तलीम कैसी है और दुनियावी तलीम कैसी है और आप कहते हैं अपने घर के बैर ठहर जाएँ मैंने कहा मैंने ठीक कहा ना जवाब दिया ना कहते क्या मतलब मैंने कहा मेरा बात का मतलब यह है अपने घर के दरवाजे से बाहर गली में ठहर जाइए और सुबह को देखें कुछ बच्चे स्कूल के लिए जा रहे होंगे कुछ बच्चे मदरसे के लिए जा रहे होंगे स्कूल वालों की किताबें भी हैं और इस दीन वाले मदरसे वाले बच्चों की भी किताबें हैं आप स्कूल वालों की किताबें देखेंगे उसने उस बैग में डाला और बैग को कहाँ डालते हैं भाई कहाँ डालते हैं कहाँ डालते हो पीछे डालते हैं ना तो उन्होंने ऐसे तड़ियों में डाला पीछे पीछे इनका इलम जा रहा है इनका इलम कहाँ जा रहा है इनके पीछे मैंने कहा चलो अब उसी गली में देखना एक बच्चा गुजरेगा ये मदरसे जा रहा है इसको देख लो इसने नौरानी कैदा पकड़ा होगा इसको देखोगे इसने कुरान पकड़ा होगा इसको देखोगे इसने दीन की किताब पकड़ी होगी इसको देखोगे ये बुखारी तिरमजी पकड़ी होगी इसको तुम देखना ये किताब को कहाँ इसने बैग को पीछे नहीं इसने नुरानी क्या को भी आठ साल के बच्चे ने सीने से लगाया इसने दस साल वाले ने भी इसको सीने से लगाया इसने आगे लगाया तुझे समझ वहाँ पर आ जाएगी वो इलम पीछे वो पीछे ही रह जाएगा ये इलम आगे ये आगे ही हमें लेके जाएगा मैं कौन सी बात है ये तो तेरी गली बहाले की बात है ये आगे रखोगे मुझे एक बच्चा मैंने खुद एक बच्चे को देखा इधर छः साल का बच्चा पढ़ रहा था गली से आ रहा था नूरानी कहदे को यहाँ पकड़ा हुआ है एक हाथ से टाफी खा रहा है एक हाथ से नूरानी कहदे को पकड़ा हुआ है मैंने कब बताओ इसके सीने पे जो कुरान लग गया ये इसको पीछे करेगा कि आगे करेगा इसने सीने से लगाया है अल्लाह भी इसको सीने से लगा के आगे बढ़ाएगा इसलिए अपने कुरान को मुकदम रखें इस पर अमल करें आज नीयत फरमाएं कि इन शह बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएंगे इन शह बनाएंगे इन भाई कोशिश करेंगे और एक और भी नीयत करें कि रोज़ाना सुबह को या किसी टाइम कुरान पाक को खोल के तिलावत करेंगे इन कौन भाई नीयत करता है कि रोज़ाना तिलावत करेंगे इन सारे नीयत करते हैं अल्लाह मुझे भी तोफीक दे अल्लाह आपको भी दे खोल के पढ़े खोल के पढ़ने का एक अपना ही मजा है हाफिज होना तो भी खोल के पढ़ो ताकि देखने का भी मज़ा आए कि कुरान कुरान है अल्लाह पाक अमल की तोफीकता फरमाए